दोस्तों, क्या आप लोग अपने राशन कार्ड की केवाईसी करना चाहते हैं? आप लोग मेरा राशन 2.0 को यूज कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। दोस्तों, आप लोग इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप लोग राशन कार्ड की केवाईसी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे केवाईसी करना बहुत अनिवार्य हो गया है। आप लोग इसे अपने मोबाइल से कैसे कर सकते हैं, आज की वीडियो में बताऊंगा। जैसे मैं एप्लीकेशन को ओपन किया हूँ, अगर आप लोग अभी तक लॉगिन नहीं है तो आधार नंबर को एंटर करना है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी को एंटर करना है, लॉगिन कर लेना है, फिर एमपिन को क्रिएट कर लेना है। जैसे मैं पहले से एमपिन को क्रिएट कर लिया हूं तो यहां पे इंटर कर देता हूं, फिर यहां सत्यापित करें यहां पे क्लिक करना है, तो यहां पे ये ऑप्शन आ गया। अब जैसे आप लोग यहां पे इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप लोग अपने राशन कार्ड की केवाईसी करना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है, ऑल वाले पे क्लिक करना है, फिर यहां कमेंट वाले पे क्लिक करना है और यहां पे आपको मेरा राशन 2.0 इतना लिख के कमेंट कर देना है। फिर जैसे आप लोग मेरा राशन 2.0 एप्लीकेशन के जरिए आप लोग अपने राशन कार्ड की केवाईसी करना चाहते हैं, आपको देखे कोई मेंबर की केवाईसी है कोई की नहीं है, आप लोग देखना चाहते हैं किसकी किसकी केवाईसी है किसकी नहीं है, तो आप लोग इस तरह एप्लीकेशन को लॉगिन कर लेना है। अगर आप लोग अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं तो प्ले स्टोर पर जाना है, आपको मेरा राशन 2.0 को डाउनलोड कर लेना है, फिर ओपन कर लेना है। अगर आप लोग पुराना वाला एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं तो आपको प्ले स्टोर पे अपडेट का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको सबसे पहले इसे अपडेट कर लेना होगा, क्योंकि अपडेट करेंगे तो आपको ये सारे नए फीचर मिल जाएंगे। फिर जैसे आप लोग यहाँ पे केवाईसी करना चाहते हैं, केवाईसी के बारे में सीखना चाहते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाएगा पारिवारिक विवरण, कुल सदस्य, आपके राशन कार्ड में कितने मेंबर ऐड हैं, तो यहाँ पे आप लोग इसे देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक कराऊं तो यहाँ पे आपके राशन कार्ड में जितने मेंबर होंगे यहाँ पे देखें सभी के नाम शो करेंगे। सबसे पहले योजना का नाम, राशन कार्ड नंबर आपका शो करा और आपके राशन कार्ड में कितने सदस्य हैं यहाँ पे ये भी शो कर रहा है, और यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर भी शो करेगा और पहचान पत्र संख्या, आधार नंबर, सब कुछ ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे आप लोग सभी के नाम देख सकते हैं। अब आप लोग जानना चाहते हैं किसकी यहाँ पे केवाईसी हुई है किसकी नहीं हुई है, तो दोस्तों यहाँ पे जिसकी भी केवाईसी नहीं हुई होगी तो वहां पे लिखा शो करेगा सत्यापित नहीं है, अगर जिसमें यहाँ पे केवाईसी हो गया होगा तो यहाँ पे ये नहीं शो करेगा। इस तरह आपको देख लेना है, जिसमें यहाँ पे सत्यापित नहीं है यहाँ पे ये शो करा तो आपको केवाईसी करना अनिवार्य है। जैसे आप लोग केवाईसी करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको सत्यापित नहीं है यहाँ पे क्लिक करना होगा, तो यहाँ पे शो करा आपका आधार केवाईसी लंबित है, पूर्ण आधार केवाईसी के लिए कृपया अपने नजदीकी FPS पर जाएं। मतलब आप लोग जैसे यहाँ पे KYC करना चाहते हैं तो यहाँ पे पूर्ण KYC आपका यहाँ पे इस एप्लीकेशन के जरिए नहीं होगा, जहाँ पे आप लोग राशन को ले रहे हैं, जहाँ पे आपका जो भी आपका कोटेदार हैं या जहाँ से आप लोग राशन को ले रहे हैं तो वहाँ पे आपको जाना है, वो क्योंकि बायोमेट्रिक के जरिए होता है वो लोग यहाँ पे KYC कंप्लीट कर देंगे। जैसे KYC वो लोग कर देंगे तो यहाँ पे जो सत्यापित नहीं है यहाँ पे शो करा तो यहाँ पे ये हट जाएगा और आपका KYC हो जाएगा। तो यहाँ पे जिसका यहाँ पे ऐसा शो करा सत्यापित नहीं है उनको वहां पे जाना है और अपनी KYC को कंप्लीट करा लेना है। जैसे यहाँ पे KYC हो जाएगी तो यहाँ पे ये सत्यापित नहीं है ये हट जाएगा, और यहाँ पे आपके राशन कार्ड में जितने मेंबर हैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। जैसे आप लोग इनके बारे में और डिटेल देखना चाहते हैं तो यहाँ व्यू वाले पे क्लिक करना होगा, यहाँ पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मुखिया का नाम, यहाँ पे सभी डिटेल मिल जाता है। आप लोग इसे भी देखे वेरीफाई कर सकते हैं, और यहाँ पे इतना ऑप्शन मिल जाता है बैक का जाता हूँ, और यहाँ पे अगर आप लोग राशन कार्ड को डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये आपका राशन कार्ड शो करेगा, योजना का नाम, परिवार के मुखिया का नाम, फोन नंबर, आपका एड्रेस यहाँ पे शो करेगा, राशन कार्ड नंबर शो करेगा, और यहाँ पे जो भी आपका कोटेदार है दुकानदार है उसका यहाँ पे नाम और उसका नंबर शो करेगा। और आप लोग राशन कार्ड को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, राशन कार्ड को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और KYC करने के लिए आप लोग अपने मोबाइल से नहीं कर पाएंगे, पूर्ण KYC के लिए आपको अपने कोटेदार या जहाँ से आप लोग राशन ले रहे हैं वहाँ पे जाना है, आपको अपनी KYC को करा लेना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सीख गए होंगे कि आप लोग मेरा राशन 2.0 के जरिए या आप लोग अपने राशन कार्ड की KYC को कैसे कर सकते हैं।